So good morning. So it's 3 AM और अब सहरी का टाइम हो गया है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा आज का पूरा रोज़ा। सो 3 बजे सब लोग उठ चुके हैं, बट होपू अभी भी सो रही है। और मैं आज सहरी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक पैन पिज्ज़ा। देखते हैं ये कैसा बनता है। यहाँ बन रही है चाय जो कि मैं पीने वाला हूँ। रात के कितना टाइम हो रहा है अभी? 3:30 बजे। और अब ये मेरा पिज्ज़ा गर्म होते हुए, और जल्दी से मुझे खाना होगा वरना सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। सहरी का टाइम हो गया है ख़त्म, और अब मैं आ गया हूँ अपने छत पे ऐसे ही थोड़ा टहलने और हवा खाने। और अब मैं नमाज पढ़ूंगा इसके बाद। राइट, सुना हुआ मैम? हाँ, मेरी बिल्लू ऑल द टाइम मेरे साथ। राइट, Now it's time to offer the namaz. Correct. Alright. जैसा कि देख सक रहे हो, मेरे साथ साथ ये दो प्राणी भी सेरी करने रोज उठते हैं। होपू एंड पिल्लू। और अब लाइट ऑफ करके फीफा खेल लेते हैं थोड़ा सुबह सुबह। And अंधेरे से रोशनी हो चुकी है and I'm still playing. Alright, so अभी सुबह हो चुकी है और अब मैं जाऊंगा कुछ फ्रूट्स लाने शाम की तैयारी के लिए। क्योंकि शाम को आज फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं और हम लोग इफ्तार पार्टी करने वाले हैं। यस, सब्जी लेने आए हैं ये हाट में, जिसे हम लोग हटिया भी बोलते हैं। सो यूजुअली हम लोग रिलायंस फ्रेश और यू नो बिग बास्केट ब्लिंकिट के आदि हैं, बट यू नो ये है असली लाइक ग्राउंड पे चीज़ें जो कि लोग उगा के मस्त ला रहे हैं। और हम सब ये सब फ्रेश वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, और एकदम अपने अपने खेत से उठा के लाए। देखिए खीरा दिखाते हैं आपको, आइए। छोटा था लाइक स्कूल टाइम्स में, तब कभी कभी मैं यहाँ आता था सब्ज़ी लेने, और जो भी मुझे पैसे बच जाते थे यहाँ से लेने के बाद, लाइक 5 रुपये से ज़्यादा तो नहीं बचता था मुझे याद है, उसका मैं समोसा खाता था। तो मेरा डील यही रहता था कि मैं जाऊँगा लाने ज़रूर, पर जो भी रिमेनिंग बचेगा वो मेरा होगा। तो हम लोगों को खीरा लेना है। खीरा कैसे है यहाँ पे? 15 रुपये किलो दे दीजिए। तो देखिए कितना फ्रेश खीरा है। सैफी सर आते हुए, क्या सैफी डाक साहब तला भाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज सारे दोस्तों की इफ्तार पार्टी थी, तो हम सब इकट्ठा हो गए थे मेरे टेरेस पे जहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। और इफ्तार करते हुए हम सब की नज़र आसमान पर चांद को खोजने के लिए। सो हम लोग को चांद पता नहीं दिख तो रहा है कहीं ना कहीं, बहुत ब्लीक सा। क्या कहाँ पे दिख रहा था पता है? एग्जैक्टली मैं बताऊँ कहाँ पे दिख रहा था? यहाँ पे दिख रहा था। अरे जूम हो जा भाई, जूम नहीं हो रहा। और अब हम लोग खा के भाई साहब बाबू ईद मुबारक है। और अब हम लोग निकल रहे हैं चाय पीने के लिए। और आज क्योंकि चांद निकल चुका है, चांद इज अ मामा, राइट? चांद इज अ मामा, सो इज अ बॉय, सो चांद निकल गया है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं, खा पी के रेडी हो गए हैं, लंच बिल्कुल लास्ट इफ्तार। और अब हम लोग और हमारे साथ ये तला, और इसे कहते हैं हम शाहजंगी। वहाँ पे एक माउंटेन है एंड दिस इज द वाटर बॉडी वी हैव। हम लोग, मैं, चाचा और सैफी, हम लोग जा रहे हैं चांद रात में
जस्ट टू गेट सम स्टफ्स, देखते हैं क्या खरीदते हैं हम लोग वहाँ से। और चांद रात का एक नज़ारा होता है जिसमें काफ़ी भीड़ होती है, लोग आते हैं शॉपिंग करने बहुत ज़्यादा भीड़ में, तो एक तरफ बुरा भी लगता है लेकिन एक तरफ मज़ा भी आता है उस भीड़ में। मौसम भी आज का बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या पता बारिश हो कल, खैर जो भी हो आज हमारा रोज़ा पूरा हुआ 30 दिन का, और अब हम लोग मार्केट की तरफ रवाना हो रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या होगा, आपको फिर बताया जाएगा। बिल्कुल ऑलराइट, हम लोग आ गए हैं, अभी आवाज़ तो कुछ पता है, हम लोग आ चुके हैं, आवाज आ रही है लाउड स्पीकर की। सो दिस इज द मेन एरिया ऑफ प्रतापपुर, तो आप देख ही सक रहे हैं, मतलब एक अलग ही मजा है चांद रात के दिन ऐसे ही बस तफरी करने में। और अब चाचा सैफी दिखाओ, सैफी ये हमने टोपियाँ ली है पहन के दिखाओगे क्या? देखिए इसको मैं पहन के दिखाता हूँ आपको। वाह, अफलाना होटल की